दोस्तों मैं हूं अख्तर हुसैन और आज का वीडियो है दोस्तों यूनो एसबीआई ऐप से आप किस तरह से स्टेटमेंट निकालेंगे इसी के बारे में आज का वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यूनो एसबीआई ऐप को जो है ओपन कर लेना है और उसको लॉग इन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एम पिन डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स पे, ये पहले वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नीचे में जो सेविंग्स अकाउंट, और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जितना सारा ट्रांजैक्शन है वो आपको शो करेगा, और यहाँ से आप लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं ताकि आपका ज़रूरत पड़ने पे आप उसको निकाल सकें प्रिंट करके। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पे बगल में एक ऑप्शन दिखेगा मेल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी, आपका बैंक में जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसी ईमेल आईडी पे आपका ये जो लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटमेंट आपका मेल पे चला गया है, आप वहाँ से जाके प्रिंट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है उसके साइड में, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल आएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली इन कौन सा स्टोरेज पे गया है ये भी आपका दिखा दिया है। तो ये था 2 तरीका स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के और उसको निकालने का। तो मैं आप लोगों को फाइनली दिखा देता हूँ जो डाउनलोड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर पर जाता हूँ। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है। अब इसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस, आप यूनो एसबीआई ऐप से ही अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का वीडियो में बस इतना ही।